दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अच्छे खर्च और बुरे खर्च के बारे में, गुड एक्सपेंसेस वर्सेस बैड एक्सपेंसेस। और बात करें कि अच्छा खर्च क्या होता है, तो अच्छा खर्च वे खर्च होते हैं जिनको करने से हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे स्किल्स बढ़ती है, या फिर फ्यूचर में जो हमारे इनकम बढ़ने की संभावना होती है, या फिर कोई एसेट बनता है, या फिर हमारे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बनती है, या फिर जिनसे हमारी सेल्स बढ़ती है, हमारा प्रॉफिट्स बढ़ता है, और जिससे कि हमें किसी के तरीके से फ़ायदा होने वाला होता है, वो हमारे लिए अच्छे खर्च होते हैं। जैसे कि अगर हम खुद में इन्वेस्ट करते हैं, खुद के नॉलेज, खुद के स्किल्स में, खुद के स्किल्स को इम्प्रूव करने में अगर हम कोई एजुकेशन लेते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कोई क्लास करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेंस हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं। बट इस तरह के खर्च अच्छे खर्च हैं, क्योंकि इस तरह के सेल्फ एजुकेशन से, सेल्फ इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में हमारी जो इनकम है वो बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा खर्च है। और यहीं पे बात करें अगर बुरे खर्च के बारे में, तो अगर हम कोई इंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, या फिर किसी तरह का कोई पार्टी या किसी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जहाँ से भी हमें कोई भी दूसरा इनकम नहीं होने वाला है, तो वो हमारे लिए बुरे खर्च होते हैं। तो बात करें पर्सनल लेवल पे या फिर बिजनेस लेवल पे, तो बिजनेस में भी और पर्सनल लेवल भी कुछ अच्छे और बुरे खर्च होते हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों पर्सनल लेवल की बात करें तो जो खर्च हम अपने हेल्थ के ऊपर करते हैं, जैसे कि अच्छी डाइट्स लेने में या फिर जिम में, तो यहाँ पे ये खर्च हमारे लिए अच्छे खर्च हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इससे हमारे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और यहीं पे अगर हम अपने हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने वाले और कुछ नशे जैसी आदतों के सेवन करते हैं, कुछ स्मोकिंग या इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो ये एक बहुत ही बैड एक्सपेंसेस का सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है। और दोस्तों इसी तरह से बिजनेस के लिए, अगर बिजनेस कोई प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, रिसर्च डेवलपमेंट में, या फिर जो भी मार्केटिंग में, या फिर सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी तकनीक यूज कर रहा है, वहाँ पे जो बिजनेस खर्च कर रहा है, तो वो बिजनेस के लिए एक अच्छा खर्च हो सकता है। और इसी तरह से बात करें पर्सनल लेवल पे, तो पर्सनल लेवल पे अगर हम कोई एसेट यानी संपत्ति बना रहे हैं और उसमें कोई खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा खर्च हो सकता है। जैसे कि अगर कोई हमारे पास एसेट है जो पॉजिटिव कैश फ्लो दे रहा है और हमने लोन लिया हुआ है, और उस लोन का अगर हम ईएमआई भर रहे हैं, तो ये भले ही एक खर्च है, बट क्योंकि इस खर्च को करने से हमें पॉजिटिव कैश फ्लो मिल रहा है और हमारा एक एसेट बन रहा है, तो इस तरह के खर्च हमारे लिए अच्छे खर्च हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको डिसाइड करना है और समझना है कि अच्छा खर्च बुरा खर्च क्या होता है, और आपको ये कोशिश करनी है कि हमेशा आप अच्छे खर्च ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप लॉन्ग टर्म में अपने लिए अपनी आमदनी को बढ़ा सकें, प्रॉफिट कमा सकें, और अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकें और एसेट भी बना सकें। और बात की जाए बुरे खर्च के बारे में, तो बुरा खर्च हमेशा लायबिलिटीज को बढ़ाता है, हमारे एक्सपेंस को बढ़ाता है, हमारे पास पैसे की तंगी रहती है और हमारे खर्चे बढ़ते हैं, हमें यूं ही बेवजह कंज्यूमर लोन्स लेने पड़ते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का बिल बढ़ता है। तो इसलिए इस वीडियो की सीख यही है कि आपको इस तरह के बुरे खर्च नहीं करने हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस करना, शॉपिंग करना, या इस तरह की चीज़ें जो अननेसेसरी चीज़ें हम खरीदते हैं, ओवर स्पेंडिंग करते हैं, या फिर वन टाइम जो भी हम कंज्यूम करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो वो चीज़ें अगर हम अवॉइड करते हैं, तो इससे लॉन्ग टर्म में हमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आप इस वीडियो से सीख पाए होंगे कि अच्छा खर्च और बुरा खर्च क्या होता है, और आप हमेशा अच्छे खर्च पे फोकस करेंगे और फाइनेंशियली सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।